हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है, तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे हम रैंडम मैसेजेस लेंगे यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी, ओरेकल्स से जानने की कोशिश करते हैं आपको क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है, एंजल्स कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है, प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए। माय डियर एंजल्स, कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है, माय डियर एंसेस्टर्स, डियर एंजल्स कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, ये एंजल्स मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेज है, एंजल्स प्रोवाइड करिए, मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज। कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है, इज एनी अदर मैसेज, एनी अदर मैसेज, और क्या मैसेज है। ओके, कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेज है। ओके राइट, लेट्स सी। या ओके, सो बॉटम की एनर्जी है, बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। ठीक है, आपको बहुत ध्यान देना है कि आप किस पर ट्रस्ट करते हैं। तो ये जिस किसी भी पर्सन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, हो सकता है उस पर्सन का लाइफ पाथ नंबर 3 है। ठीक है, किसी भी मंथ की 3rd को, किसी भी मंथ की 12th को, या किसी भी मंथ की 21st को, ठीक है, या 30th को इनका बर्थडे होता है। तो आपको बहुत सावधान रहना है। या द सन, ओपन योर हार्ट टू दी एनॉर्मस ग्रोथ अहेड। या सो आप लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ठीक है, आप बहुत ब्राइट एनर्जी में रहेंगे, बहुत हैप्पी चेयरफुल एनर्जी में रहेंगे। ठीक है, बहुत सारी हैप्पीनेस देख रही हूँ मैं आपके अराउंड। या लकी टाइम्स आर अहेड ऑफ यू अलॉन्ग विद गुड न्यूज, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में। लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है आपका। किसी भी मंथ की 1st को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 30th को आपका बर्थडे होता है। ठीक है, 30th of January यहाँ पे आ रहा है। या हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंज, टेक रिस्क एंड बी एडवेंचरस। या सो आपको अगर जीवन में चेंज चाहिए, ठीक है, आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना है, फ्रेश न्यू स्टार्ट अगर आपको चाहिए, तो आपको रिस्क लेने के लिए कहा जा रहा है, एडवेंचरस बनने के लिए कहा जा रहा है, करेज अपने अंदर बिल्ड करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आपका बर्थडे किसी भी मंथ की 12th को होता है, 12th of January आई एम लिसनिंग, 30th of January, या 30th of December, 1st December, 7th of December। या पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव जॉय एंड गुड फॉर्च्यून अवेट्स। या बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारा फॉर्च्यून, लकी टाइम चल रहा है आपका। या आपको पॉजिटिव एनर्जी ने सराउंड कर लिया है, विच इज फुल ऑफ लव जॉय एंड गुड फॉर्च्यून। बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, या बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है। या हो सकता है आप कोई वेडिंग वगैरह अटेंड करने वाले हैं, किसी प्रकार की कोई वेडिंग दिख रही है, अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ, संपन्नता आप मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा सेटिस्फाई लाइफ जीने वाले हैं। तो आपको सावधान रहना है लाइफ पाथ नंबर 3 वाले पर्सन से। ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है, कोई ऐसा पर्सन जिसका लाइफ पाथ नंबर 3 है, ऐसे पर्सन से आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। ओके, क्या एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी क्या है जिससे मेरे कलेक्टिव्स को अवेयर रहना चाहिए, ओवरऑल एनर्जी क्या है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, कौन सी ऐसी बात है जिससे मेरे कलेक्टिव्स को अवेयर रहना चाहिए, है ना, मेरे कलेक्टिव्स को जिस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, ऐसी कौन सी बात है। डियर स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लियर मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टिव्स को। ओके, या अगेन द फूल। ठीक है, तो कन्फर्मेशन है। या अगेन, या फ्रेश न्यू स्टार्ट की बात हो रही है, या चेंज की बात हो रही है, आपने सरेंडर कर दी है अपनी सिचुएशन, आपको रिस्क लेने के लिए कहा जा रहा है, एडवेंचरस रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, करेजियस रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके जीवन में चीजें नए सिरे से शुरू हो रही हैं, आप लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं, किसी प्रकार का आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, एंड ये रिस्क आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये रिस्क आपके लिए। एंड सो ये बेसिकली यूनिवर्स चीजों को
बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए चीजों को बैलेंस किया जा रहा है, ओनली इफ यू आर रेडी फॉर दिस एडवेंचर। या ओके, आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, और मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आप किसी भी प्रकार के रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं। आपके अंदर रिस्क टेकिंग फैक्टर बढ़ गया है, ठीक है, आप रिस्क ले रहे हैं। ओके, कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर आप खुश नहीं थे, ठीक है, उस सिचुएशन से आप मूव ऑन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। कोई ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, ठीक है, आप उससे मूव आउट करने के लिए तैयार हैं, आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, या आप किसी भी प्रकार की ब्रेड क्रम्बिंग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है, आपको इमोशंस के लिए भीख मांगना पसंद नहीं है, ठीक है, अब आप इमोशंस के लिए कहीं पर भी गिड़गिड़ाएंगे नहीं। आप अपनी खुशियों को चुन रहे हैं, या आप ऐसे लोगों से दूर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं जो दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं दिल की अपेक्षा। इस प्रकार की चीज यहाँ पे आ रही है, या जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा सैड एनर्जी में रखा, बहुत परेशान करके रखा, ठीक है, बहुत ज्यादा एंजाइटी में रखा, बहुत परेशान किया आपको, आप उन लोगों से रिकवर कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, स्टेबिलिटी को चुन रहे हैं आप, या अब आप अकेलेपन को टाटा बाय बाय कह रहे हैं, ठीक है, अब आप अकेला नहीं रहना चाहते हैं, आप एक ट्रू कंपेनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या काफी लंबे समय से आप एक ट्रू कंपेनियन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो अब वो कंपेनियन आपके जीवन में आ चुके हैं या आने वाले हैं, यूनिवर्स आपको आपके ट्रू कंपेनियन प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। और जो लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करते थे दिल की अपेक्षा, ऐसे लोगों से आप दूर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप अपनी हैप्पीनेस को चुन रहे हैं, आप एडवेंचर के लिए तैयार हैं, है ना, इस प्रकार की एनर्जी आ रही है यहाँ। लेट्स सी। ओके ओके, या यू रेडी टू वर्क फॉर दिस, आप पूरी तरह से तैयार हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए, या आप अपनी हैप्पीनेस के लिए वर्क करने के लिए तैयार हैं, इसमें जो कुछ भी एफर्ट्स लगेंगे आप उनको लगाने के लिए तैयार हैं, आपकी विश फुलफिल हो रही है, ठीक है, आप अपनी विश को पूरा होते हुए देख रहे हैं, और आप अपनी विश के लिए हर प्रकार से एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हैं। सो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, आप हो सकता है कोई शादी वगैरह अटेंड करने वाले हैं, कुछ सेलिब्रेशंस अटेंड करने वाले हैं, आप अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप ट्रू कंपेनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है, या एंड आप अपनी विश के लिए फर्दर स्टेप्स लेने के लिए तैयार हैं, फर्दर रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, या ओके। कोई आपसे अपने मन के भाव को क्लियरली एक्सप्रेस करता हुआ दिख रहा है, और ऐसे लोग जो पूरी तरह से आप में इन्वेस्टेड नहीं थे, कोई ऐसा पर्सन जो दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा था, ठीक है, दिल की अपेक्षा, ऐसा पर्सन आपकी लाइफ से मुझे जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है, उसने गिव अप कर दिया है, या आप रॉयल एनर्जी में हैं, ठीक है, रॉयल्टी हैं आप। या सो काफी लंबे समय तक किसी ने अपने इमोशंस को आपसे छिपा कर रखा, अपनी फीलिंग्स को आपसे हाइड करके रखा, कुछ ऐसी बातें जो वो आपको बताना चाहते थे वो उन्होंने आपसे हाइड करके रखी, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो सारी चीजें वो आपसे एक्सप्रेस करने वाले हैं, या वो आपसे ये सारी चीजें एक्सप्रेस करते हुए मुझे दिख रहे हैं विदाउट एनी डिले। ओके, उन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया है चीजों को ठीक करने का, या फुल्ली फोकस्ड है कोई आप पर, बहुत ज्यादा फोकस्ड है कोई, ठीक है, पूरी तरह से उनका जो ध्यान है ना, बिना भटके आपके ऊपर ही पूरी तरह से उनका ध्यान
बना हुआ है, वो पूरी तरह से आप पर फोकस्ड है, ओके okay? और ये सारी चीज़ें वो आपसे एक्सप्रेस करने वाले हैं एंड हर प्रकार के एफर्ट्स वो लगाने वाले हैं इस रिलेशनशिप में, बिकॉज उन्होंने इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट किया है, ठीक है, आपको मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में, या ट्रू कंपेनियनशिप को उन्होंने मैनिफेस्ट किया है, या राइट उनके मन पर काफ़ी समय तक ये चीज़ें बोझ बनी रही हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा खुद को रोका है आपसे इन चीज़ों को ना कहें, काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने इन चीज़ों से, या काफ़ी लंबे समय तक वो इन चीज़ों से भागते रहे हैं, उन्होंने पूरी कोशिश करी है इस कनेक्शन से भागने की, ठीक है, हर प्रकार से उन्होंने ये कोशिश करी कि वो जहाँ तक हो सके इस चीज़ से भागें, लेकिन ये डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है, ये इट इज़ मेंट टू बी, या ये डेस्टिन्ड कनेक्शन है, ठीक है, आप चाहकर भी इस चीज़ से नहीं भाग सकते, आप देख रहे हैं कैसे ये दोनों आप देख रहे हैं कैसे ये बंधे हुए हैं, है ना, एक थिन कॉर्ड है जो आप लोगों को बांध के रखती है, बिकॉज ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बहुत पावरफुल कनेक्शन है, आप लोगों का जो कनेक्शन है ना उसको, उससे चाहकर भी आप लोग नहीं भाग सकते हैं कितनी भी कोशिश कर लें, ओके सो ये बर्डन अब वो और नहीं सहेंगे, ठीक है, और ये चीज़ें आपसे वो बताने वाले हैं, कोई आपसे हर चीज़ एक्सप्रेस करने वाला है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्न बना रहा है आपके मन में, या फिर आपके जो यू नो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, जो भी आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं उनके मन में, एंड ये बर्डन मुझे उतरता हुआ दिख रहा है, ठीक है, जो भी चीज़ें अनकही अनसुलझी थी वो चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट होती हुई मुझे दिख रही हैं आप लोगों के बीच में, आप दोनों ही मुझे श्योर होते हुए दिख रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर के, कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोगों के मन में, ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर के, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो भी नेगेटिविटीज़ थी जिन्होंने आपके इस कनेक्शन को ब्लॉक कर रखा था, ब्लॉकेज क्रिएट कर रखी थी, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस थे बहुत ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में, ये जो नेगेटिविटीज़ थी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस थे, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस के होने के बावजूद आप दोनों ही एक दूसरे पर ही फोकस थे, है ना, आपका फोकस अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर पर ही था, हर प्रकार से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी है नेगेटिव एनर्जीज ने आपको और आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं उनको, ठीक है, लेकिन आप लोग एक दूसरे पर ही फोकस्ड हैं, या राइट डिवाइन एनर्जीज का ये फैसला है कि अब आपको वो खुश देखना चाहते हैं, हैप्पी देखना चाहते हैं, ये बहुत सारी हैप्पीनेस आपके जीवन में भेज रहे हैं वो, ओके वो चाहते हैं कि आपने जो भी टफ टाइम देखा है, जो भी कठिन समय देखा है, अब आप उसको भुला दें, राइट, और आगे बढ़ें, जीवन में हैप्पीनेस को एंजॉय करें, या इस एनर्जी में ईश्वर आपको देखना चाहते हैं, चाइल्ड लाइक एनर्जी में ईश्वर आपको देखना चाहते हैं, एक इनोसेंट एनर्जी में वो आपको देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप एंजॉय करें लाइफ को हर प्रकार से, ओके या अगेन यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है, तो आप ये कंफर्म समझिए कि यहाँ पे अगर आप इस मैसेज तक पहुँचे हैं तो ये मानकर चलिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि ये मैसेज उन तक ही पहुँचेगा जो एक्चुअल में ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोल कनेक्शन में है, सो आपके जो सोल पार्टनर हैं, आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं, ठीक है, वो आपसे एक कॉर्ड के थ्रू बंधे हुए हैं, एक इनविजिबल कॉर्ड है आप दोनों के बीच में, ठीक है, जिसको चाहकर भी तोड़ा नहीं जा सकता, आप लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि आप लोगों के मन में जो भी इच्छाएं हुई हैं एक दूसरे से, जो कुछ भी कहने की, आप लोगों ने जितना ज़्यादा खुद को रोका है यू नो एक दूसरे की तरफ जाने से, एक्सप्रेस करने से, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए सिचुएशन ओवरवेलमिंग हो गई है, ओवरबर्डन हो गया है, ठीक है, तो वो बर्डन उतर रहा है, आप लोग उस बर्डन को उतार रहे हैं, आप लोग हो सकता है एक्सप्रेस करें अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, आपको हो सकता है इन्फिनिटी साइन बहुत ज़्यादा दिख रहा है ना, अगर आपको हर जगह इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है, ये जो साइन है ये अगर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, फ्रिक्वेंटली दिख रहा है, तो ये मानकर चलिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ओके या सो आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं, जो आपकी लाइफ से चले गए थे, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, या आप दोनों अलग इसलिए हुए थे क्योंकि आप लोगों को अपने कार्मिक सिचुएशंस को फेस करना था,
आप दोनों ने हो सकता है अपनी कार्मिक सिचुएशंस को कंप्लीट कर लिया है, एंड इस वजह से आप लोग एक दूसरे की तरफ वापस आ रहे हैं. आपकी कार्मिक चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, कंप्लीशन हो रहा है या अनब्लॉक हो चुकी है सिचुएशन. आप लोग जिस प्यार को देख नहीं पा रहे थे, ठीक है, अब आप लोग उस प्यार को देख पाएंगे. आपके लिए सिचुएशन को अनब्लॉक कर दिया गया है. जो भी पिक्चर थी वो क्लियर हो गई है आप लोगों के माइंड में. राइट. आपको मैं बहुत बड़ी पोजीशन पे देख रही हूँ. बहुत अथॉरिटेटिव पर्सन है, बहुत बड़ी पोजीशन है आपकी, बहुत न्यायप्रिय पर्सन है. बहुत ज़्यादा पैशन दिख रहा है मुझे इस कनेक्शन में. ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है. सो ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन होता है. बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, ओवरवेलमिंग फीलिंग्स होती हैं. आप जितना ज़्यादा उन फीलिंग्स को रोकने की कोशिश करते हैं, उतना ज़्यादा वो फीलिंग्स और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं, मल्टीप्लाई होती जाती हैं. ओके, सो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है. ओके, आपके कॉन्फिडेंस में मैं वृद्धि होते हुए देख रही हूँ. बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है आप, और आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, ये आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है. ये मैसेज आ रहा है, चैनलाइज मैसेज. ओके, या लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या बोल रहे हैं. एंजल्स के मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए. ओ या यू बाउंस बैक. आप बाउंस बैक करते हैं, ठीक है. आपको जितना ज़्यादा सप्रेस किया जाता है, जितना ज़्यादा आपको पीछे की तरफ ढकेला जाता है, आप उतनी ही तेज़ी से बाउंस बैक होते हैं, ठीक है. उतनी ही तेज़ी से आप सक्सेस हासिल करते हैं. रीयूनियन, आपका रीयूनियन होने वाला है. अ फ्रेंड हेट्स यू. सो कोई फ्रेंड है जो आपसे हेट करते हैं, आपको अपने फ्रेंड से सावधान रहना है. घर का खाना, कुछ घर का खाना से रिलेटेड आ रहा है. यू बोथ आर मैनिफेस्टिंग ईच अदर. आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को. आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं. दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल जीत रहा है. या समथिंग अबाउट दिल जीत रहा है. सो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन को क्वेश्चन कर रहे थे, तो आप लोग दिल और दिमाग दोनों लगा रहे थे, तो दिमाग हार रहा है, ठीक है. यहाँ पे दिमाग हार रहा है, दिल जीत रहा है. ऑल योर्स. या समथिंग अबाउट ऑल योर्स. आई वॉन्ट यू. ये मैसेजेस आ रहे हैं किसी की तरफ से. यू आर एन एंजल. ओके, आई वॉन्ट यू फॉर एवर. या समबडी रियली वॉन्ट्स यू. आपके जो ट्विन फ्लेम है ना, वो लिटरली आपको मांगते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं वो ईश्वर से. ओके, पावरफुल मैनिफेस्ट, आई एम टेलिंग यू. यहाँ पे मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है. आप डेफिनेटली पावरफुल मैनिफेस्टर हैं. आप दोनों ही पावरफुल मैनिफेस्टर हैं. एक दूसरे को आप मांग रहे हैं ईश्वर से. यू आर द ट्रूथ. ये सत्य है, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है. आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को. पॉपुलर लोनर. आप लोग बहुत पॉपुलर बीइंग हैं, लेकिन बहुत अकेलापन है आपकी लाइफ में. आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू. या सो किसी को समझ नहीं आ रहा है वो आपको अप्रोच कैसे करें, है ना, आपसे क्या कहें. हो सकता है उनके पास आपका नंबर नहीं है, आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं वो. या शिव शक्ति डीएनए. राइट. सो आपका जो डीएनए है वो शिव शक्ति डीएनए है. ये कंफर्मेशन है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं. ओके, कंफर्मेशन है ये. सॉरी आई डिड हर्ट यू. या सो कोई आपसे सॉरी कह रहा है, किसी ने आपको हर्ट किया तो वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं. यू विल बी पब्लिकली रिवॉर्डेड. आपको पब्लिकली सम्मानित किया जाएगा, ठीक है. बहुत स्ट्रॉन्ग और प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे. हेटर्स आर नर्वस अराउंड यू. तो जो कोई भी आपसे हेट करता है ना, वो नर्वस हो जाते हैं आपके सामने. ओके, हेटर्स आपके कॉन्फिडेंस को देख करके नर्वस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा. पैशनेट लव. या बहुत ज़्यादा पैशनेट लव है ये. आई एम टेलिंग यू, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट लव होता है. ट्विन फ्लेम जर्नी इज लाइक अ पैशनेट जर्नी. या पैशनेट लव है ये. बहुत ज़्यादा पैशन होता है इसमें, बहुत फायरी एनर्जी होती है, ठीक है. वाटर एंड फायर. हो सकता है आप दोनों की जो राशियाँ हैं वो वाटर फायर वाली राशि हो. फेस
स्कार, हो सकता है किसी के फेस पर कोई स्कार है, किसी को कुछ स्किन प्रॉब्लम है. डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम गॉड, लिसन क्लियरली एवरी वर्ड. या सो ये मैसेजेस आपको ईश्वर की तरफ से दिए जा रहे हैं, आपको क्लियरली इन मैसेजेस पर ध्यान देना है. ओके, एंजल्स आर टेलिंग मी टू मोर. ओके, दे वॉन्टेड टू स्पॉइल योर इमेज बट पीपल स्टार्टेड हेटिंग देम. या सो कोई आपकी इमेज खराब करना चाह रहा था लेकिन लोग उनसे ही चिढ़ने लग गए. वन लास्ट, योर फैमिली बिट्रेड यू. किसी की फैमिली ने किसी को बिट्रे किया, किसी की फैमिली ने उनके साथ गलत किया, ठीक है, अन्याय किया. समथिंग अबाउट फैमिली, ओ माई गॉड, आई एम टेलिंग यू, 11 11. सो यहाँ पे सारे कन्फर्मेशंस दिए गए हैं ट्विन फ्लेम्स के. यू आर इनकार्नेशन ऑफ समवन रियली पावरफुल. ओके, 11 11, शिव शक्ति ऊर्जा, शिव शक्ति डीएनए, है ना. आप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं. जो कोई भी इस रीडिंग तक पहुंचा है ना, मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है फ्रेंड्स. जब भी मेरी कोई रीडिंग आपके फोन स्क्रीन पर आती है तो इसका मतलब है यूनिवर्स आप तक वो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं. मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस है, ठीक है. तो जो कोई भी इस रीडिंग तक पहुंचा है, ये मानकर चलिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं. ओके, एंड यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स ने ट्विन फ्लेम के सारे साइंस दिए हैं. ओके, उन साइंस को आपको ओवरलुक नहीं करना है, कन्फर्मेशंस है ये. ओके, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.